हेलो 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर ऑन द लास्ट फेज ऑफ द चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टिल नाउ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट वॉज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एग्जीक्यूटिव पोर्शन ऑफ आवर कंट्री विच इज वर्किंग परमानेंटली, एंड दैट इज द ब्यूरोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। I hope whatever we have discussed till now that is completely clear to all of you. So let us start today. So who implements the decisions of the ministers? In last class what we have discussed, we have studied that role of prime minister. Along with that we have also discussed his power, how the powers of prime minister change when we are having coalition government, right? एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स, कि जो मिनिस्टर्स ने डिसीजन ले लिया उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, राइट? सो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब कौन एग्जीक्यूट करता है, जिसमें आपके मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी मशीनरी से, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए कौन से डिफरेंस को, बिटवीन दिस मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इसको क्या बोला जाता है, सिविल सर्विस, राइट? एक सर्विस आपकी कौन सी होती है, मिलिट्री सर्विस, बट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सिविल सर्विसेज, राइट? आप लोगों ने सुना होगा, है ना, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले इसको ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट? सो ट्रेन एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। अब देखो क्या होता है, इसमें कौन से बेसिकली कौन से पीपल इंक्लूड होते हैं, जो होते हैं ट्रेन और स्किल्ड ऑफिसर, और वो वर्क क्या करते हैं, एज द परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स, और इनका टास्क क्या होता है, मिनिस्टर्स को असिस्ट करना किस चीज के रिगार्डिंग, इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। पहले तो पॉलिसीज बनाना, उसके बाद उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, दिस is the task which is given to these employees which are known as the permanent executive or you can say bureaucracy of the country. क्या समझ आया आप लोगों को अभी तक, आपको समझ आया कि bureaucracy क्या है, this is the permanent executive of our country, और क्या समझ आया आपको कि ये हमारी क्या है, ये political वाले part से अलग है, ये military आपकी military machinery से भी अलग है, right? military services से भी अलग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, it is known as civil services, राइट? इसमें बेसिकली कौन होते हैं, ट्रेन और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं आपके, राइट? और वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स को असिस्ट भी करते हैं, और जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं तो ये उन मिनिस्टर्स को पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में भी ये हेल्प करते हैं। गॉट इट? इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स are in charge of government and the administration is under their control and supervision. देखो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, हम डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट? तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर मिनिस्टर्स होते हैं, वो होते हैं गवर्नमेंट के इंचार्ज, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेसिकली वो उनके अंडर कंट्रोल और सुपरविजन में वर्क करता है, राइट? इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर का कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हमने पढ़ा था ना कैसे रोल था, कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके चलते हैं, राइट? अब देखो क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, वो मिनिस्टर्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट के, और उन्हीं के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, राइट? हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने ये भी पढ़ा कि लेजिस्लेचर
कंट्रोल करती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, जब हमने कल स्टडी किया था कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर सकती है, राइट। इन दैट मैनर वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू एक्सप्लेन कि जो लेजिस्लेचर पोर्शन है वो कंट्रोल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं हमारे कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज, वो उसमें वर्क नहीं करेंगे कि वो ऐसे पॉलिसीज को वायलेट करेंगे जो लेजिस्लेचर ने अडॉप्ट की है, राइट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्या है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो वॉयलेशन नहीं करेंगे पॉलिसीज का विच आर अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब क्या हुआ कि ये पीपल कौन से लोग हैं आपके, किसको आपने बोल दिया परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये आपके वो पर्सन होते हैं जिनका एक डेफिनेट प्रोसेस से सिलेक्शन होता है। देखो एक टर्म होती है इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप यूज करते हो, एक टर्म होती है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, हियर आई एम यूजिंग सेलेक्टेड, राइट। अब देखो नॉमिनेटेड तो क्या होता है कि उनका इलेक्शन नहीं हुआ, उनको किसी क्वालिफिकेशन के बेस पे उनको प्लेस दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को लोकसभा में और कुछ को राज्यसभा में, राइट। इलेक्टेड कौन से होते हैं, जिनका इलेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर कास्टिंग आवर वोट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, है ना। अब सिलेक्टेड पीपल कौन से होते हैं, सिलेक्टेड वो होते हैं जिनका कुछ एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे हम लोगों की IAS IPS ऑफिसर्स है तो एक पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। कैसे कि वो पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, देन मेंस एग्जामिनेशन होता है एंड देन इंटरव्यू होता है, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिकली उन लोगों की अपॉइंटमेंट ही क्यों होती है, उन लोगों की अपॉइंटमेंट ही इसीलिए होती है कि जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज हैं वो उनको फोर्स में लेके आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंडर कंट्रोल होते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंडर काउंट होते हैं। तो ऐसा कोई वर्क नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी लेजिस्लेचर ने जिन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया वो उसको वायलेट करे, क्योंकि उनका काम सिर्फ उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है जो लेजिस्लेचर ने बना दी। समझ आया। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हमारे मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या करे, कंट्रोल करे। एंड इंडिया हैज अडॉप्टेड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडिया ने क्या किया है, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंप्लीमेंट की है, इंट्रोड्यूस की है। एट द सेम टाइम द मशीनरी इज मेड पॉलिटिकल अकाउंटेबल। हमने क्या पढ़ा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या, मैंने आप लोगों को क्या कोटेशन बताई थी, सिंक एंड स्विम टुगेदर, है ना। यानी कि जब कोई एक मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर मान लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्या करेगी, रिजाइन देगी। तो हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल भी बनाया है। द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। और देखो ये जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी, इनके लिए वर्ड यूज हो रहा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब देखो परमानेंट क्यों यूज हुआ, क्योंकि एक बार अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो डेफिनेट टाइम पीरियड है ये तब तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं, अंटिल एंड अनलेस दे डिड नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जब तक ये वायलेट नहीं करते ना, किसको वायलेट नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को, तब तक ये क्या रहते हैं, तब तक ये अपनी अथॉरिटी पर रहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। लेकिन देखो जब अगर ये परमानेंट बन गए हैं तो इन लोगों से एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों, देखो ये न्यूट्रल क्यों रहेंगे, मान लिया 2014 से लेके प्रेजेंट तक हमारी कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, और सपोज कि अब 2024 में जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमारे यहां सोचो कि किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो जाएंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं क्या वो भी चेंज हो जाएंगे? नो, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ये जो पीपल है इनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बेस पे इन लोगों को कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी पे बिठाया गया है, और अगर गवर्नमेंट आती जाती रहती है तो भी इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, दे विल बी वर्किंग परमानेंटली, इसलिए तो इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला गया है। और अगर ये परमानेंटली वर्क करेंगे, गवर्नमेंट आती जाती रहती है तो ये चेंज ही नहीं होते, इसीलिए इनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है,
ये पॉलिटिकल न्यूट्रल रहेंगे। क्यों रहेंगे न्यूट्रल? क्योंकि गवर्नमेंट, इनका काम सिर्फ क्या है, इनका काम पॉलिटिक्स में एंट्री करना नहीं होता, बल्कि जो लेजिस्लेचर ने पॉलिसीज फ्रेम कर दी उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में अगर ये किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको बोला गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसकी है इनको उस चीज से मतलब नहीं है। दे आर नो हैविंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस विद दैट कि गवर्नमेंट किसकी है, बट देयर मेजर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ विच इज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इसलिए इनसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये पॉलिटिकल न्यूट्रल रह के वर्क करेंगे। समझ आया? मतलब देखो, अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये लोग चेंज नहीं होंगे अंटिल एंड अनलेस दे डू नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक ये लोग चेंज नहीं होंगे। दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, क्योंकि देखो गवर्नमेंट आती जाती रहती है, ये तो कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे, इनका ट्रांसफर हो सकता है बट कंटिन्यूअसली दे विल बी वर्किंग। समझ आया? दिस मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन ऑन पॉलिसी मैटर्स। इसका मतलब क्या है कि ये किसी पॉलिटिकल मैटर पे ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे। मतलब कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे, पॉलिटिक्स में एंट्री करना इनका वर्क नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शंस एंड द न्यू गवर्नमेंट वांट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू पॉलिसीज इन द प्लेस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में हमेशा क्या चलता है, हमेशा हर गवर्नमेंट ये चाहती है ना कि दैट सम पॉलिसी शुड बी देयर विच आर इम्प्लीमेंटेड ऑन माई नेम ओनली, है ना। कुछ ऐसे नए नए रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जो सिर्फ हमारी पार्टी के नाम पर इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसे में क्या है, अगर कोई पार्टी ऐसी पॉलिसीज बना रही है तो इनका काम ये नहीं है कि इनको ये उस पॉलिटिकल एरिया में इंटरफेयर करके, ये लोग इंटरफेयर करके और कुछ ना कुछ उस पॉलिटिकल पोजिशन गेन कर लेंगे, नो। क्योंकि जब गवर्नमेंट आएगी तो इट इज देयर वर्क दैट दे विल स्टार्ट एनी न्यू पॉलिसी। अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी वर्क भी कर रही है, इवन देन ऑल्सो न्यू पॉलिटिकल पार्टी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स ओनली, है ना। सो ऐसे में हमारी जो पॉलिटिकल की बजाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सच अ सिचुएशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू फेथफुली एंड एफिशियंटली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे में जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसका क्या रोल होगा, उसको ये नहीं देखना कि ये पॉलिसीज उस गवर्नमेंट ने कैसे चलाई थी, है ना। क्योंकि देखो पीपल ने किसको इलेक्ट किया है, पीपल हैव इलेक्टेड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट। मतलब जो पॉलिटिकली हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, इनको इलेक्ट नहीं किया ना, दीज पर्सन आर सिलेक्टेड। तो ऐसे में इनका रोल क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है इट इज डेफिनेटली दैट द पॉलिसी विल ऑल्सो बी चेंज्ड, राइट। सो द वर्क ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री कि वो फेथफुली वर्क करें, एफिशिएंटली वर्क करें, किसमें, पॉलिसीज को ड्राफ्ट करने में और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। समझ आया? गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट दिस एग्जीक्यूटिव, that this permanent executive will stay neutral from politics. Done? So the Indian bureaucracy today is an enormously complex system. जो Indian bureaucracy system है ना, अगर आप देखते हो तो ये बहुत एक complex system है। अब वो कैसे? It consists of all India services, state services, employees of local government, and technical and managerial staff running पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी, ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, स्टेट सर्विसेज होती हैं, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, टेक्निकल और मैनेजेरियल स्टाफ्स होते हैं, है ना, बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं। मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन पार्टीजम एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। और हमारी कंट्री के जो फ्रेमर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ऑलरेडी पता था, उनको ये चीजें बड़े अच्छे से पता थी कि हमें ब्यूरोक्रेसी को कैसा बनाना है। आर ब्यूरोक्रेसी शुड बी प्रोफेशनल एंड देयर शुड बी नॉन पार्टीजन। मतलब वो किसी पार्टी को फेवर नहीं करेंगे। दे ऑल्सो वॉन्टेड द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी टू बी इम्पार्शियली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट।
अब देखो आप अपनी कंट्री के ना स्ट्रक्चर को समझो पहले, कैसा स्ट्रक्चर है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, क्या आपने सुना है कभी इलेक्शंस में उनके लिए लिखा गया कि ग्रेजुएट, उनके लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, वो डॉक्टरेट होने चाहिए, लिखा है कहीं ऐसा? नो। सो कंट्री में ऐसा भी तो कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव होना चाहिए ना, जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ उनका स्पेसिफिक एरिया होता है एक्सपर्टीज का, राइट? तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर्ड ऐसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे स्ट्रक्चर किया गया कि कुछ पीपल ऐसे हों जो एक्चुअली में कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं, और वो लोग कौन होते हैं? हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो होते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी। और इसीलिए इन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन की गई, देखो अगर ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे तो दे विल ऑल्सो फुलफिल देयर इंटरेस्ट, करप्शन विल बी देयर, राइट? इसीलिए इन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन की हम लोगों ने, इन लोगों से एक्सपेक्टेशन ये रखी कि वो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन से फ्री रहेंगे, समझ आया? और इसीलिए इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हमने डिफाइन कर दिया, इनको हमने इलेक्टेड नहीं बनाया, इनको हमने क्या बनाया? सिलेक्टेड बनाया। अब आई थिंक आप लोगों को इलेक्टेड और सिलेक्टेड का डिफरेंस भी समझ आया होगा। इलेक्टेड बेसिकली जिसको आपने वोट के थ्रू इलेक्ट किया है, और सिलेक्टेड की जिनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी का बताया कि क्या होते हैं, कि इनकी एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है, मेंस एंड देन इंटरव्यू है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली उनको एलोकेशन दी उनकी जॉब्स की ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेरिट। सो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके लिए हमने क्या बना दिया, पूरा कमीशन ही सेटअप कर दिया। यानी वो कमीशन कौन सा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी कंट्री में क्या टास्क करता है, जिसका टास्क होता है हमारी कंट्री के लिए ब्यूरोक्रेसी को सेलेक्ट करना। यानी ये ऐसा कमीशन है जो, जिसमें हमारा ट्रस्ट भी रहा है, जिसने आज तक सफिशियंटली वर्क भी किया है, एंड दिस इज द कमीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीज पर्सन, दीज सिविल सर्विस। इसके अलावा देखो सेंट्रल लेवल पे तो हम लोगों ने बना दिए, अब स्टेट में देखो हमारे यहाँ क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जो सेंटर में आपका स्ट्रक्चर चलता है वैसा ही स्टेट में भी चलेगा, राइट? एज वी हैव सीन दैट सेंटर में प्रेसिडेंट है, वी आर हैविंग गवर्नर इन द स्टेट। एज वी आर हैविंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल लेवल, वी आर हैविंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। सो एज वी आर हैविंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन द सेंट्रल लेवल, वी आर हैविंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? So we are having state public service commission also for the, it means similar public service commissions are provided for the state also. Members of public service commissions are appointed for a fixed term. इनका भी देखो fixed term होता है. Their removal or suspension is subject to a through inquiry made by a judge by the Supreme Court. और देखो सबसे effectively इन लोगों का जो work करने का method है, why they are working in that efficient manner? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब गवर्नमेंट चाहे तो इनको रिमूव कर दे, दैट्स नॉट देयर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो रिमूवल प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, इंक्वायरी प्रोसेस से होगी, और वो इंक्वायरी कौन करता है? कोई सुप्रीम कोर्ट का जज। इसीलिए अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहे, तो मन माने तरीके से आर्बिट्री फॉर्म से इनको रिमूव नहीं कर सकते। एंड फॉर व्हाट वी हैव डन इट, वी हैव डन इट जस्ट टू इंश्योर the efficiency of our administrative system. Fine? While efficiency and merit are the norms for recruitment, the constitution also ensures that all sections of the society, including the weaker section, have an opportunity to be a part of public bureaucracy. अब देखो हमारा structure ही ऐसा है कि diversity है, but उस diversity को हम लोगों ने tackle कैसे किया है? That on each and every higher position of the country, there should be representation of every weaker section, right? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने reservation कर दी, so that every part can get representation in bureaucracy also. For this purpose, the constitution has provided for reservation of jobs for the Dalits and Adivasis. इसलिए हमने क्या कर दिया, UPSC में भी reservation है for the people of Dalits and Adivasis community. Subsequently, reservation have also been provided for women and other backward classes. Same manner में क्या है, women के लिए और जो backward classes होती है उनके लिए भी reservation है.
These provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of recruitment of the social of the civil service. इसीलिए क्या है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सिस्टम क्यों किया है, सो दैट आवर ब्यूरोक्रेसी कैन बी मोर रिप्रेजेंटेटिव. कैसे रिप्रेजेंटेटिव होगी, कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी सारे सेक्शंस के पीपल हैं, सो दैट पॉलिसीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. और जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज हैं वो हमारी रिक्रूटमेंट, सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट के पाथ में नहीं आनी चाहिए. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन एससी कम्युनिटी से है, एसटी कम्युनिटी से है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कास्ट दे आर नॉट गेटिंग चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. दैट्स नॉट देयर. बल्कि क्या किया हम लोगों ने, वी हैव डन द प्रोविजन सो दैट एवरी कम्युनिटी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन. फाइन. अब देखो, यस आई नो दैट द ऑफिसर्स आर देयर टू सर्व द पीपल, बट पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दीज ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑल्सो बिहेव एज इफ दे आर द मास्टर्स. अब देखो, वैसे ये ब्यूरोक्रेसी की क्या हो जाता है, जो हो जाता है ना, स्पॉइल्ड फॉर्म है. क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेसी में हमने बोल दिया ना कि परमानेंट है वो, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल हु आर वर्किंग एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो इस वे में वर्क करते हैं कि वो मास्टर्स हैं. बट इन एक्चुअली देखो इनके लिए लिखा होता है सिविल सर्वेंट्स, सर्वेंट्स वर्ड आर यूज, मतलब वो पीपल के सर्वेंट हैं, यानी उनकी अपॉइंटमेंट ही इसीलिए हुए टू सर्व द पीपल, टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सर्व द कंट्री. बट कुछ फॉर्म में वो क्या फील करना शुरू कर देते हैं, खुद को मास्टर्स फील करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दैम सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट दोज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, है ना, आर वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू. सो दोज पीपल, दोज हु आर वर्किंग एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दे शुड नॉट बिहेव दैट दे आर द मास्टर्स, है ना, दे आर फॉर द सर्विस, फॉर द सर्विस प्रोवाइडिंग ओनली. गॉट इट. सो दिस वॉज रिलेटेड टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव. टूडे वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड ना कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती, सेंट्रल सर्विसेज होती, स्टेट सर्विसेज होती हैं. सो बेसिकली ये होती क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन, ऑल दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दिस सर्विसेज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल, सॉरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, हाउ दे वर्क इफेक्टिवली, व्हाट आर देयर रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you are having any kind of doubt and query, feel free to ask your question in comment section. In next part, we will discuss basically the categories of the permanent executive. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.